ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ते हैं, दोनों दो दूसरी प्रसंविदा पढ़ते हैं। कल अपन ने फर्स्ट प्रसंविदा पढ़ी थी, सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा 1966 पढ़ी थी। आज अपन पढ़ते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा 1966। ठीक है, तो ये लागू कब हुई थी? सबसे पहले 3 जनवरी 1976 को ये लागू हुई थी, 3 जनवरी 1976 को लागू हुई थी। आर्टिकल टोटल इसमें कितने हैं? 31 आर्टिकल है, 31 अनुच्छेद हैं। इन 31 अनुच्छेदों को 5 भागों में बांटा गया है। सिविल और राजनीतिक प्रसंविदा में कितने अनुच्छेद थे? 53 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 53 थे, और उनको 6 भागों में बांटा गया था। और सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद थे, 30 आर्टिकल थे, उनको 4 भागों में बांटा गया। तो अपन से लाइन से याद करते हैं कि सार्वभौमिक घोषणा में 4 भाग बांटे गए थे और सिविल और राजनीतिक में 6 भागों में बांटी गई थी, और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा को 5 भागों में बांटी गई है। अनुच्छेद लाइन से क्रम से याद करना है 30, 53 और 31। ठीक है, 5 भागों में बांटी हुई है इसको। ठीक है, इस प्रसंविदा में लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार सभी में दिया गया, चाहे सार्वभौमिक घोषणा हो चाहे दोनों प्रसंविदाए हो, तीनों चीजों में आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये प्रसंविदा में जो मानव अधिकार बताए हैं वह परिवार के सभी सदस्यों को जन्मजात प्राप्त हो जाते हैं। मानव ह्यूमन राइट है वो सारों को क्या है? जन्मजात प्राप्त होते हैं, उनसे किसी से छीना नहीं जा सकता या अहस्तांतरणीय नहीं होते कि मैं अपने जीवन जीने का अधिकार आपको ट्रांसफर करता हूँ, आपको अंतरित करता हूँ, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या आता है? प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में कहा गया कि जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्रस्तावना और जो दो पहले वाली प्रसंविदा की प्रस्तावना, दोनों ही समान है, दोनों ही प्रस्तावनाएं समान है। प्रस्तावना में क्या कहा गया कि सार्वभौमिक घोषणा में जो मानव अधिकार दिए गए हैं या जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के चार्टर्ड में जो ह्यूमन राइट है, उन सबको क्या है, वो सारे अधिकार इन प्रसंविदाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आता है पार्ट सेकंड। 5 भाग है ना, पहला भाग इसमें प्रस्तावना ही है, वहां पे पहले भाग में प्रस्तावना शामिल नहीं थी। सिविल और राजनीतिक प्रसंविदा में प्रस्तावना अलग थी और फिर 6 भाग थे, जबकि इसमें प्रस्तावना फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग आता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक आता है। प्रसंविधा के भाग दो में क्या है, अनुच्छेद 1 का उल्लेख किया गया, यानी 1 से लेके 5 तक जो आर्टिकल है वो भाग 2 में दिए हुए हैं, जिसमें ये आर्टिकल 1 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक परिस्थिति को स्वतंत्रता पूर्वक बनाए रखने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 1 क्या कहता है, राजनीतिक परिस्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस को बनाए मेंटेन रखने और उसको बनाए रखने का हर व्यक्ति को क्या है, अधिकार है। क्यों राजनीतिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस क्यों बनाए रखने का अधिकार है उसे? ताकि वो अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। कुछ अपना स्टेटस मेंटेन रखेगा तभी उसका विकास हो पाएगा। ठीक है, दो में कह रहा है, अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि इसमें ऐसे अलग अलग बताए हुए नहीं है, एक साथ में ही बताए हुए हैं। ठीक है, तीन में बताए हैं कि उनको क्या, हर राज्य यहाँ वहां पे जो सिविल और राजनीतिक प्रसंविदा थी उसमें व्यक्तियों को अधिकार थी कि राज्य ये काम करेगा, राज्य ये करेगा, ये करेगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य पक्षकार संकल्प लेते हैं,
राज्य पक्षकार ये संकल्प लेते हैं। वहां तो क्या प्रसंविदा में जो मेंबर बनते हैं ना, वो राज्य ये कहते, उन राज्यों पर ड्यूटी अधिरोपित की जाती है कि उनको ये काम करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के ये ह्यूमन राइट उल्लंघन ना हो। जैसे कि अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, सकारात्मक ड्यूटी सॉरी नकारात्मक ड्यूटी अधिरोपित करता है, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सकारात्मक ड्यूटी अधिरोपित करता है राज्य पे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी ध्यान रखना है अपने को, केएफआर तो नकारात्मक है और डीपी सकारात्मक ड्यूटी अधिरोपित करता है। वैसे ही यहाँ पर ये कह रहा है कि राज्य पक्षकार ये संकल्प लेते हैं कि वह स्वयं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सहयोग करके आर्थिक और तकनीकी ऐसे उपाय उपलब्ध कराएंगे जिससे कि प्रसंविदा में दिए गए अधिकारों की क्या है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। यहाँ पर और वहां पर थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि यहाँ पे राज्य पक्षकार संकल्प ले रहे हैं, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसंविदा में राज्य पक्षकार ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारे पास जितने साधन होंगे उस उन साधनों का प्रयोग करके हम प्रसंविदा में जो अधिकार दिए गए हैं सिविल राज नहीं सॉरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा में जो अधिकार दिए गए हैं हमारे पास जितने साधन होंगे, राज्य ये संकल्प ले रहे हैं प्रण कर रहे हैं कि हमारे पास जितने साधन होंगे उन साधनों के द्वारा हम उन मानव अधिकारों को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। वहां पे सिर्फ ये है सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा, उसमें ये राज्य पे वो ये कहते हैं कि हाँ हम इस प्रसंविदा में दिए गए मानव अधिकारों को प्रदान करेंगे लोगों को, मतलब उनके अधिकारों को प्रदान करेंगे और उनको सुरक्षित संरक्षित रखेंगे। वो संकल्प नहीं लेते हैं ना ही वो अपने साधनों की बात करते हैं, जबकि आर्थिक आर्थिक सांस्कृतिक ये जो प्रसंविदा है इसमें क्या कर रहे हैं, राज्य ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारे पास जितने संसाधन होंगे हम उनसे उनसे क्या करेंगे, मानव अधिकारों को जो प्रदान किए गए प्रसंविदा में उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और राज्य पक्षकार ये गारंटी देते हैं कि प्रसंविदा में जो अधिकार दिए गए हैं उनको प्रदान करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि राज्य पक्षकार ये स्वीकार करते हैं राज्य द्वारा वर्तमान प्रसंविदा से संगत अधिकारों का प्रयोग सीमाओं के अधीन रहते हुए, मतलब ये कह रहा है कि आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि दोनों में अंतर वो जो मैंने पहले बताया कि आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रसंविदा है वो अधिक अधिकार उपलब्ध कराती है, अधिकारों आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा के अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति को तो उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा में जो अधिकार दिए वो पहले प्रदान किए जाने चाहिए, फिर वो इस प्रसंविदा में दिए अधिकार प्राप्त होंगे व्यक्ति को तभी वो सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आता है भाग तीन ये कह रहा है कि प्रसंविदा में विभिन्न प्रकार के सारवान अधिकार दिए हैं, सारवान अधिकार दिए हुए कहां से लेके 6 से लेके 15 तक सारवान अधिकार दिए हुए। अब वो अधिकार कौन कौन से हैं उनको एक एक लाइन में याद करना है, ठीक है। 6 में क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार, कार्य को चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता से चुना कार्य करने का अधिकार, यानी कार्य को चुनने का की स्वतंत्रता, खुद निर्वचन करें मुझे ये काम करना है मुझे ये काम करना है, यानी कार्य को चुनने की स्वतंत्रता कहाँ पे है, 6 में। 7 में काम चुन लिया तो अनुकूल दशाओं में काम करने का अधिकार, न्याय संगत और अनुकूल दो शब्द याद रखने हैं 7 में। 6 में याद करना है कार्य चुनने का अधिकार, 7 में अनुकूल और न्याय संगत दशाओं में काम चुन लिया तो न्याय संगत दशाओं में या अनुकूल दशाओं में काम करेगा, मर मर के काम किसी को नहीं करना होता है, ठीक है, अनुकूल दिशाओं में काम करने का अधिकार होता है।
सात में काम कर लिया तो आठ में वो क्या करेगा, व्यवसाय संघ बना सकता है, या कोई व्यवसाय संघ पहले से बना हुआ है तो उस संघ में शामिल होने का उसका अधिकार है। छह में काम चुनना, सात में अनुकूल दशाओं में काम करना, आठ में व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार है। नौ संघ बना लिया तो सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कराएगा, सामाजिक बीमा भी करवा सकता है, उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है। सबसे पहले काम चुना, अनुकूल दशाओं में काम किया, फिर व्यवसाय संघ बना लिया। व्यवसाय संघ बना लिया तो उसे संघ बन गया व्यवसायिक, तो उसे सामाजिक सुरक्षा भी तो चाहिए स्वयं की, इसलिए वो सामाजिक बीमा कराएगा। नौ में सामाजिक बीमा शब्द याद रखना है, सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक बीमा कराएगा, ठीक है। फिर आता है दस, अनुच्छेद दस में कि परिवार, मातृत्व, बच्चों और युवा व्यक्तियों को संरक्षण, सहायता संबंधी अधिकार, विवाह में स्वतंत्र सहमति। सामाजिक सुरक्षा हो गया, बीमा करा लिया तो बीमा से धन को उपयोग करने वाली महिला भी चाहिए, तो इसलिए विवाह करने के लिए स्वतंत्र सहमति से विवाह करेगा, विवाह करेगा, परिवार है, मातृत्व है, बच्चे हैं, इसको उल्टा कनेक्ट करना है अपने को, ठीक है। दस में, नौ में सामाजिक बीमा सुरक्षा के लिए उसने बीमा करवा लिया, बीमा करवा लिया तो फिर अब वो विवाह करेगा, विवाह करेगा तो परिवार बनेगा, परिवार से बच्चे आएंगे और परिवार, बच्चों की सुरक्षा करना, युवा बच्चा युवा होगा तो उनका संरक्षण करना, ठीक है। दस में फिर आता है ग्यारह, ग्यारह ये कह रहा है कि परिवार बन गया दस में तो परिवार के रहन सहन के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान ग्यारह में है। दस में परिवार बना तो ग्यारह में परिवार के रहन सहन को ध्यान में रखते हुए रोटी कपड़ा और मकान उनको उपलब्ध होने चाहिए ग्यारह में। फिर बारह, सब चीजें आ गई तो भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को उच्चतर प्राप्त करने के लिए रोटी कपड़ा मकान आ गया तो अब वो थोड़ा सा उसका स्टेटस ऊपर जाएगा कि भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी वो सही रखने का उसका अधिकार है, भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी उच्चतम प्राप्त करने यानी उच्च स्तर का प्राप्त करने का उसका अधिकार है बारह में। फिर आज तेरह में कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा है, तेरह में शिक्षा का अधिकार है लेकिन ये निःशुल्क है और अनिवार्य है, कहाँ तक, प्राइमरी लेवल तक, तेरह में प्राइमरी लेवल तक, यानी बच्चा तेरह साल, चौदह साल तक का बच्चा कर सकता है ना निःशुल्क शिक्षा वाला, चौदह साल है क्या? हाँ मैडम चौदह, कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, इक्कीस से, कौन से अनुच्छेद, हाँ इक्कीस का मैम, हाँ कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, छियासीवा, कब हुआ था, 2006 में, 2006 में पक्का, 2002 नहीं है क्या, 2002 है, चलो ठीक कर लूंगी मैडम, 2002 है या 2000 है देखना है ना, उसको देखना आपको, ठीक है। तो वहां पे 14 वर्ष है तो यहाँ पर 13 है, आर्टिकल 13 है जहाँ कह रहे प्राइमरी शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य होगी अनुच्छेद 13 में, 14 आ रहा है कि सभी के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा युक्तियुक्त वर्षों में, पहले 13 में प्राइमरी शिक्षा है और 14 में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 13 में तो प्राइमरी लेवल पर और 14 में सभी लेवल पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रवर्तन युक्तियुक्त वर्षों में करवाया जाने का। फिर आता है 15 सांस्कृतिक जीवन में भाग लेना यानी फंक्शंस में जाना, वैज्ञानिक प्रगति उपयोगों में लाभ लेना, दो शब्द याद करने हैं, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेना और वैज्ञानिक प्रगति से जुड़े हुए मामलों, मतलब लाभों को संरक्षण, अगर उसने कोई किताब लिखी है, अगर उसने कोई काम किया है, उसने कोई आविष्कार किया है, कोई भी चाहे कला बनाई है या बुक लिखी, कुछ भी किया, उसको क्या है, उसको अपने, अगर उसने खुद
खुद के दिमाग से या खुद के मेहनत लगा के कोई काम किया है तो उसको संरक्षित रखने का उसका अधिकार है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कराती हूँ। 6 में क्या है? काम को चुने जाने का अधिकार। 7 को न्याय संगत दशाओं में काम करने का अधिकार। 8 व्यवसाय संघ बनाना। 9 सामाजिक बीमा। 10 विवाह करने में स्वतंत्र सहमति, विवाह करने में स्वतंत्र सहमति। 11 में आता है, 11 में आ रहा है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा और मकान। 12 में आ रहा है कि भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य को उच्चतर रैंक में प्राप्त करना। 13 प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी लेवल पे। 14 में सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और 15 में 2002 है उसका। 2002 है ना? हाँ हाँ देख लिया। ठीक है। और 15 में आ रहा है कि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेना और इसके साथ में वैज्ञानिक प्रगति या अपने कौशल से या अपने श्रम से या अपनी बुद्धि से अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसके लाभ प्राप्त करना और उसको संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है। तो यहाँ के सार्वान अधिकार 6 से लेके 15 तक थे। ठीक है। इसके बाद में आते हैं प्रवर्तन के उपाय। चौथा पार्ट है, फोर्थ भाग कौन सा है? प्रवर्तन यानी एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। इस प्रसंविदा में दिए हुए अधिकार कोई हैं तो उनको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। तो कहां से लेके? 16 से लेके 25 तक। 16 से लेके 25 तक ये सेक्शन याद रखने हैं कि कौन से भाग में कितने नंबर सेक्शन से कहां तक दिया हुआ है। तो प्रवर्तन के उपाय 16 से लेके 25 तक दिए गए हैं और अंतिम खंड है 26 से लेकर 31 तक। ठीक है। तो अब इसका प्रवर्तन कराया कैसे जाएगा? ठीक है। उसको प्रवर्तन कराने के लिए अपन देखते हैं, इसमें कोई मानव अधिकार समिति नहीं बनी हुई होती। मानव अधिकार समिति नहीं होती है, सिर्फ इसमें होती है तो क्या होती है? रिपोर्टिंग प्रणाली होती है। लिख लो इसमें कि जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा को एजुकेशन कौन कैसे करवाया जाएगा? मानव अधिकार समिति नहीं होती है, सिर्फ रिपोर्टिंग प्रणाली यानी वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा, सॉरी वार्षिक नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग द्वारा इसके अधिकारों को लागू करवाया जाता है। प्रसंविदा में दिए गए अधिकारों को लागू कराए। तो इसमें सेक्शन वाइज भी आर्टिकल वाइज नहीं दिया हुआ, एक कहानी सी बना के लिख दी गई है। इसको पढ़ेंगे तो ये समझ ही नहीं आ रही। तो अपन को सीधे सीधे ये देखना है। मैंने एक डायग्राम बना रखा है तो आप उसको डायग्राम को फॉलो करते हुए सबसे पहले लिखो राज्य पक्षकार। राज्य पक्षकार किस किस को रिपोर्ट भेजते हैं? मानव अधिकार आयोग को और आर्थिक सामाजिक परिषद को रिपोर्ट भेजते हैं। दो जगह भेजते हैं राज्य पक्षकार। राज्य पक्षकार अपनी रिपोर्ट दो जगह भेजते हैं, नीचे डैश ऐसे कोमा करके या कुछ भी नीचे डायग्राम बना के लिखो। फर्स्ट रिपोर्ट किसको भेजते हैं? दो जगह भेजते हैं। एक तो भेजते हैं मानव अधिकार आयोग को और दूसरी भेजते हैं आर्थिक सामाजिक सामाजिक आर्थिक परिषद को भेजते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ था? ये 16 में दिया हुआ है। अब उसकी प्रोसीजर बताई हुई है। कंक्लूजन ये था कि वो दो जगह अपनी रिपोर्ट भेजते। अब वो कैसे भेजेंगे, वो क्या किया जाएगा? सबसे पहले राज्य पक्षकार महासचिव को रिपोर्ट भेजते हैं। यूएनओ के महासचिव को रिपोर्ट भेजते हैं कि उन्होंने हर राज्य जो मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं इसके? 160। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा के वर्तमान तक 160 मेंबर है, सदस्य राज्य मेंबर है। तो वो जो जो भी जो पक्षकार सदस्य हैं यानी वो 160 जने अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमने इस प्रसंविदा में दिए हुए अधिकार प्रदान किए हैं, कौन से उनको संरक्षित करने के लिए या उनके पालन में क्या क्या काम किया है। वो अपनी रिपोर्ट किसके भेजते हैं?
यूएनओ महासचिव के महासचिव को पास भेजते हैं। फिर यूएनओ के महासचिव कहाँ भेजता है? उसकी रिपोर्ट वो आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजता है। महासचिव किसको भेजता है? आर्थिक सामाजिक परिषद को भेजता है, और परिषद के बाद विचार करने के लिए भेजता है, और उसकी एक प्रतिलिपि रिपोर्ट जो आई पक्षकारों ने महासचिव को दी। महासचिव ने एक कहाँ पे भेज दी? आर्थिक सामाजिक परिषद के पास भेज दी, और एक रिपोर्ट की कॉपी विशिष्ट एजेंसियों को, विशिष्ट अभिकरणों के पास भेज दी। महासचिव ने दो जगह भेजी, कहाँ पर? फर्स्ट तो भेज दी आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास, और उसकी एक कॉपी भेज दी। कोई विशिष्ट एजेंसियां बनी हुई, स्पेसिफाइड कोई एजेंसी है उसके लिए, यानी उस टॉपिक या उस मैटर से जुड़ी हुई कोई एजेंसी है जिसका उत्तरदायित्व तो आता है या जिनका अधिकार क्षेत्र आता है एजेंसियों का, तो उस एजेंसी के पास भेज देता है। ठीक है, दो जगह भेज दी। महासचिव ने रिपोर्ट कहाँ भेजी? आर्थिक सामाजिक परिषद को, और उसकी एक कॉपी भेज दी विशिष्ट एजेंसियों को। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है? आर्थिक सामाजिक परिषद क्या, सबसे पहले ये रिपोर्ट भेजनी कब होती है? राज्य पक्षकारों को, महासचिव को रिपोर्ट कब तक भेजनी होती है? प्रेस संहिता के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष के बाद में, यानी 2 वर्ष के भीतर भीतर क्या है, उनको अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। 2 वर्ष में किसको भेजनी होती है? उनको अपनी रिपोर्ट आर्थिक सामाजिक परिषद को भेजते हैं। मैंने कहा कि दो जगह भेजता है, एक तो मानवाधिकार आयोग को भेजता है और आर्थिक सामाजिक परिषद को भेजता है। तो आर्थिक सामाजिक परिषद में एक जगह बोल रही हूँ महासचिव को भेजता है, एक जगह बोल रही हूँ आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आर्थिक सामाजिक परिषद को राज्य पक्षकार डायरेक्ट नहीं भेज रहा, वो महासचिव की मार्फत के थ्रू भेज रहा है। भेज तो किसको रहा है? आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज रहा है रिपोर्ट तो, लेकिन वो पहले महासचिव को दे रहा है, फिर वहां महासचिव उसको आर्थिक सामाजिक परिषद को दे रही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन पक्षकार पहले। एक जगह तो कह रहे हैं महासचिव को भेज रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं आर्थिक सामाजिक परिषद को भेजना है, तो महासचिव सिर्फ एक बीच का कड़ी है। ठीक है, चैन एक जोड़ने वाली कड़ी है, आर्थिक सामाजिक परिषद और राज्य पक्षकारों को जोड़ने वाली एक कड़ी है महासचिव। तो पक्षकार आर्थिक सामाजिक परिषद को कब भेजेंगे? प्रेस संहिता के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर वो रिपोर्ट भेजेंगे। और अगर वो रिपोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्रेस संहिता में दिए हुए जो भी मानवाधिकार हैं उनको लागू करने में हमें कोई कठिनाई आ रही है, या कोई हमारे में बाध्यता आ रही है कि इस कारण हम इस प्रेस संहिता में दिए हुए अधिकारों को लागू नहीं करवा सकते, तो वो अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद को। मैं वापस बोलना एक बार ये वाला पॉइंट। लागू करवा दिए तो द बेस्ट कि इस मानव अधिकार को हमने लागू करवाया, इसको संरक्षित करने के लिए हमने ये काम किया। लेकिन अगर कोई राज्य पक्षकार, उसे लगता है कि प्रेस संविधान में दिए हुए जो ह्यूमन राइट हैं उनको लागू करने में कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या कोई बाध्यता आ रही है जिसके कारण हम इस प्रेस संविधान में दिए हुए अधिकारों को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसकी रिपोर्ट भी बना के आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज देते हैं राज्य पक्ष का। समझ आए कि अगर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, संरक्षित करते हैं तो वो भी भेजे, और नहीं संरक्षित करा पा रहे हैं, कोई कठिनाई आ रही है, कोई बाध्यता आ रही है, कोई ऐसा कारक है जिसके कारण वो लागू नहीं करवा पाते, तो इसकी रिपोर्ट भी वो आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज देंगे। रिपोर्ट करना है मतलब उनको, चाहे पॉजिटिव वे में करे, चाहे नहीं किया तो नेगेटिव भी करे, रिपोर्ट करेंगे 2 साल के भीतर, प्रेस संहिता के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर हर राज्य पक्षकार क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। अब आर्थिक सामाजिक परिषद को क्या है, रिपोर्ट आ गई, राज्य पक्षकार ने महासचिव को दी, महासचिव ने आर्थिक सामाजिक परिषद को दे दी। अब आर्थिक सामाजिक परिषद क्या करता है? उस रिपोर्ट की क्या है, जांच करता है, या उसको जो भी है उसका अध्ययन करता है,
और उस पे सिफारिश लागू करता है कि भी इसमें इस मानव अधिकार को लागू करने में ये काम करना चाहिए, मतलब अपनी राय दे देता है, अपने सुझाव दे देता है। कौन? आर्थिक सामाजिक परिषद। इसको एक डायग्राम की तरह बनाना है। सबसे पहले राज्य पक्षकार, नीचे महासचिव, महासचिव के नीचे आर्थिक सामाजिक परिषद, एक साइड में आर्थिक सामाजिक परिषद और दूसरी साइड विशिष्ट एजेंसी। फिर आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है, अपनी सिफारिश से दे देती है, यानी उसने अध्ययन कर लिया रिपोर्ट का, और रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद में वो क्या है, उस रिपोर्ट को और आगे अध्ययन करने के लिए किसको भेजती है, मानव अधिकार आयोग को। मानव अधिकार आयोग को भेज देती कि मैंने तो अध्ययन कर लिया, ये सिफारिश है कि ये काम किया जाना चाहिए, या इस मानव अधिकार को लागू करने में उसने अपने सुझाव दे दिए, और वो रिपोर्ट आर्थिक सामाजिक परिषद ने क्या अध्ययन किया, अपने सुझाव शामिल किए और उस रिपोर्ट को आगे किसके पास भेज दिया, मानव अधिकार आयोग के पास भेज दिया, समिति नहीं बोल रही मैं, मानव अधिकार आयोग के पास भेज दिया। आयोग क्या करता है, फिर उस पर सिफारिश करता है, यानी आयोग भी उस पर अध्ययन करता है, और अध्ययन करके या कोई सुझाव दे देता है या कोई सिफारिश कर देता है कि राज्य पक्षकारों को ये काम करना चाहिए। तो फिर क्या है, वापस रिपोर्ट किसके पास आई, मानव अधिकार आयोग से। मानव अधिकार आयोग ने क्या है, रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया और फिर वो सिफारिश कर देता है कि इसमें इस उल्लंघन हो रहा है, तो इसमें ये काम किया जाना चाहिए। फिर वो वापस रिपोर्ट किसको भेजता है, राज्य पक्षकारों को भेजता है। वापस नीचे राज्य पक्षकार आ गए, और अगर कोई विशिष्ट एजेंसी है तो उनको रिपोर्ट भेज देता है। कौन भेजता है, मानव अधिकार कमीशन, कमीशन या आयोग या कमीशन को कमीशन भेजता है। ठीक है, समझ आया, घुमा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन डायग्राम बनाएंगे अपन तो उससे इजीली समझ आ जाएगा। मैं आगे एक फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगी इसमें कि कैसे इसको डायग्राम को बनाना है। ठीक है, फिर वो क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, महासभा के पास में क्या है कि महासभा के पास क्या भेजेगी कि हमने ये काम कर दिया। पहले हमने रिपोर्ट किस मानव अधिकार आयोग को भेजी, मानव अधिकार आयोग ने अपने सुझाव दिए, राज्य पक्षकारों को विशिष्ट एजेंसियों को भेज दी कि ये काम करना चाहिए, या ये प्रगति मानव अधिकार को लागू करवाने, उनको संरक्षित करने के लिए ये काम आपको करना चाहिए। इसकी संक्षिप्त सूचना बनाएगा और सूचना बना के महासभा को भेज देगा, महासभा को भेज देगा। ठीक है, इसकी कौन बनाएगा मैम संक्षिप्त? आर्थिक सामाजिक परिषद। ओके, आर्थिक सामाजिक परिषद ये दो जगह भेजता है, आर्थिक सामाजिक परिषद को भेज दी उसने क्या है, सिफारिश की, और मानव अधिकार कमीशन को भेज दी। फिर मानव अधिकार कमीशन ने किसके पास भेज दी, लागू सिफारिश की, अध्ययन किया और सिफारिश की, राज्य पक्षकारों और विशिष्ट एजेंसियों के पास भेज दी कि आपको ये काम करने। ठीक है, तो यहां तक काम हो गया। अब फिर आर्थिक सामाजिक परिषद वापस आता है, उसे लगता है कि हाँ ये सारे काम हो गए, राज्य पक्षकारों की ये कमी थी और इसको पूरा करने को कह दिया गया, तो वो इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट बनाता है तथ्यों की, और सिफारिश जो की है उसकी रिपोर्ट बनाता है, और इसको रिपोर्ट को महासभा को भेज देता है। ये होती रिपोर्टिंग प्रणाली, हालांकि ये कारगर साबित नहीं हुई है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। फिर भी क्या है, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और अभिकरणों के बीच समन्वय का अभाव है। फिर भी क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, मानव अधिकारों की अभिवृद्धि करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को अभी तक रखा हुआ है। ठीक है, ये तय है इसमें। फिर अंतिम खंड जो भी आ रहे हैं, अंतिम खंड में क्या कह रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसका लास्ट भाग, जो पांचवा भाग है उसमें अनुच्छेद 36 से लेके 31 तक है, उसमें क्या है, उसमें प्रासंविधा के अनुसमर्थन, सम्मिलन और उसके लागू होने और संशोधन, तीन शब्द याद करने, अनुसमर्थन, सम्मिलन और संशोधन से संबंधित प्रावधान है,
और इस प्रसविता में शामिल कैसे होया जा सकता है, इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है, वो भी अंतिम खंड में ही उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसमें इतना ही था ये प्रसविता। इसके साथ में प्रसंविदा के बारे में, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा के बारे में, एक तेहरान में सम्मेलन हुआ था, विश्व सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल से लेके 13 मई 1968 तक, तेहरान सम्मेलन, विश्व सम्मेलन। लिखवा देंगे क्या हाँ लिखो, ये तारीख लिखनी है। विश्व सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो हुए हैं मानवाधिकारों से संबंधित। पहला सम्मेलन था तेहरान सम्मेलन, तेहरान कब हुआ? 22 अप्रैल से लेके 13 मई 1968 तक। इस तेहरान सम्मेलन में कहा गया कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा में दिए हुए अधिकारों को पहले को का यूज उपयोग पहले होने चाहिए। अगर इनका उपभोग नहीं करेगा कोई तो वो सिविल और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता। इन्होंने कहा है कि डीपी अधिभावी रहते हैं, ठीक है, तेहरान सम्मेलन में कहा गया। पूछ लिया जाता है कि दो विश्व सम्मेलन कौन कौन से हुए, तो फर्स्ट तेहरान था और दूसरा वियना विश्व सम्मेलन था। वियना सम्मेलन 1993 को हुआ था। ठीक है, ह्यूमन राइट में इतना ही था। एक टॉपिक बच रहा है ह्यूमन राइट में कि मानवाधिकारों को लागू करवाने में भारतीय संविधान और अन्य विधियों का कैसे कैसे संरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान या अन्य विधियों में मानव अधिकारों को कैसे संरक्षित किया गया? तो भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को कहां कहां उल्लिखित किया, भाग 3 में और भाग 4 में उल्लिखित किया गया है। भाग 3 में दिए गए जो मानव अधिकार हैं वो क्या है? वो राज्य के, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है वो न्यायालय में प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। उनके लिए संविधान में कोई प्रोविजन नहीं दिया, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अगर उनके लिए कोई स्पेशल लॉ बना दी जाती है, तो फिर उस स्पेशल लॉ में दिए हुए ह्यूमन राइट का अगर उल्लंघन होता है तो फिर वहां वो न्यायालय में प्रवर्तित करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। भाग 3 में जो अधिकार दिए हुए हैं मानव अधिकार, उनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाया जाएगा आर्टिकल 226 के तहत। अब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कैसे जाया जा सकता है? हाई कोर्ट में जाना है चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सबसे पहले व्यक्ति को ये बताना होगा कि भाग 3 में दिए गए अधिकार का, अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। साथ में आर्टिकल 32 में लैंग्वेज दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं अगर इस भाग में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो समावेदन करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध है। यानी आर्टिकल 32 जो दिया गया है वो खुद क्या है? एक मूल अधिकार है, समावेदन करने का अधिकार दे रहा है। यानी उसको खुद को अगर किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है भाग 3 में दिए गए 12 से लेके 36 तक, 36 स्वयं एक मूल अधिकार है, उल्लंघन हो गया अगर भाग में 3 में दिए हुए किसी अधिकार का, तो सुप्रीम कोई कोर्ट कोई आदेश, कोई निर्देश या याचिका, तीन शब्द याद करने, आदेश निर्देश या कोई याचिका जारी कर सकती है उनको लागू करवाने के लिए। याचिकाओं के नाम अपने को याद करने हैं, पांचों डिटो के नाम याद कर। फिर इसमें एक तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 32 का ही तीसरा सब क्लोज, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को,
सुप्रीम कोर्ट में जो एक और दो में जो खंड है यानी समावेदन या कोई आदेश निर्देश या कोई रिट या याचिका जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इन शक्तियों के इन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। इम्पोर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो समावेदन द्वारा सुन सकती है या कोई आदेश निर्देश या रिट द्वारा कोई वो लागू करवा सकती है। इन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना यानी सब क्लोज वन और सब क्लोज टू पर विपरीत प्रभाव डाले बिना संसद को पावर है कि वो उच्चतम न्यायालय में जो दो सब क्लोज दो में जो पावर दी गई यानी आदेश निर्देश या रिट निकालने की जो शक्तियां हैं वो किसी अन्य न्यायालय को भी जो अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकती है संसद। यानी सीधी सी बात ये कह रही है कि रिट अपन अपने को ये पता है कि कौन निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निकाल सकती है। यहां पर अन्य न्यायालय का वर्ड क्या है, अन्य न्यायालय जोड़ा गया, तो अन्य न्यायालय कोई आदेश निकाल सकता है, कोई निर्देश निकाल सकता है, और रिट कौन निकालेगा, हाई कोर्ट ही निकालेगा, हाई कोर्ट ही निकालेगा। तो अन्य न्यायालय को पावर कौन दे सकता है, संसद दे सकती है। ठीक है, फिर इस संसार अब इस संविधान में जो 32 का सब क्लोज 4 है वो ये कह रहा है कि अगर संविधान में कोई बंद कर दिया कि ये इस कंडीशन में क्या है, अधिकार निलंबित किया जा सकता है, प्रवर्तन कराने मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित किया जा सकता है, उसके सिवाय अनुच्छेद 32 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होगा। अगर संविधान में कोई प्रोविजन कर दिया कि इस कंडीशन में ये आर्टिकल 32 भी निलंबित होगा, होता है क्या कहीं? आर्टिकल 32 निलंबित होता है क्या कहीं? नहीं होता मैडम, नहीं नहीं होता। होता कहाँ लिखा मैडम। है, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं है कि वो निलंबित होगा। तो इमरजेंसी में तो निलंबित होते हैं ना, निलंबित तो 19 ही होता है सिर्फ। क्यों आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता, ये क्या है? हाँ बाकी ये कह तो रहा है। हाँ, तो आर्टिकल नहीं 32 उसमें शामिल है, निलंबित तो किया जा 20 और सकता। 21 में अलग अगर उल्लंघन होगा तो वो 32 के तहत ही तो जाएंगे उसमें। वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। हाई कोर्ट में चले तो हाई कोर्ट में 226। 226 में कहाँ लिखा है, 226 में ये बात नहीं लिखी। इसमें लिख दिया चौथा क्लोज ये कह रहा है कि अगर संविधान में उपबंध कर दिया गया है उसके अलावा ये निलंबित नहीं होगा। अगर संविधान में कह रहा है कि जैसे इमरजेंसी में कह दिया कि मानव अधिकारों को लागू नहीं करवाया जा सकता सिवाय 20 और 21 के, वो किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे, तो ये यहां भी निलंबित हो रहा है। 32 तो खुद एक मूल अधिकार है, 32 तो खुद एक मूल अधिकार है, उसको निलंबित किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम, शायद यही है। एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है मैडम। ये इसमें इतना ही है, ह्यूमन राइट से संबंधित इतना ही था। इसके बारे में अगर